नमस्कार दोस्तों, शिवानी ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत बैक हैंड पर बनने वाले एक बेल वाले मेहंदी के डिजाइन के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले अपने हाथ के पिछले हिस्से पर एक फूल बनाएं। अभी उस फूल के सीधे और उल्टी तरफ से छोटे छोटे दो और फूल बनाएं। इस तरह से अब फूल के बीचों बीच एक बड़ी पत्ती बनाएं और उसके भी सीधे और उल्टी तरफ एक एक और बड़ी पत्ती बनाएं। इस पत्ती को मेहंदी से भर दें। फ्रेंड्स, इसी पैटर्न को हम दोबारा यानी कि 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। तो चलिए दोबारा से बनाते हैं ये 3 छोटे छोटे फूलों वाला एक बड़ा फूल। अब उसी तरह फूल के बीचों बीच से हम 3 बड़ी पत्तियां बनाएंगे और उन्हें मेहंदी से भर देंगे। इसी डिजाइन को दोबारा रिपीट करते हुए फूल और बाद में बड़ी पत्तियों के साथ इस डिजाइन को कंप्लीट करें। अब अपनी बीच वाली उंगली पर बड़ी बड़ी पत्तियां बनाकर उन्हें मेहंदी से भर के इस उंगली को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मैंने इस उंगली के एंड पर इसके टिप को पिछले हिस्से से भर दिया है। अब सेम इसी डिजाइन को पहली उंगली पर भी रिपीट करें और डिजाइन के कंप्लीट होते ही इसके टिप को भी हम पिछले हिस्से से भर देंगे।
तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान था ये छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत सा लेकिन बहुत जल्दी बनने वाला बैक हैंड का मेहंदी डिजाइन। आज मैं आपको बहुत ही आसान और खूबसूरत सी मेहंदी का डिजाइन बताने जा रही हूँ। डिजाइन की शुरुआत हम कलाई से करेंगे। यहाँ पर तिरछी लाइनों के साथ इस डिजाइन की शुरुआत को करते हुए आगे बढ़ेंगे और फूल और पत्तियों से इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे। अब हथेली पर उसी तरीके से फूल और पत्तियों को गोलाकार आकार में बनाते हुए इसे और भी सुंदर बनाएंगे। कुछ और फूल पत्तियों और बिंदुओं के साथ इस डिजाइन को बेहद आकर्षक बनाया है हमने, ये देखिए। अब दूसरी और तीसरी उंगली पर इसी डिजाइन को आगे बढ़ाते हुए इसे पूरा करेंगे। बाकी की सभी उंगलियों और अंगूठे की टिप पर मेहंदी लगाकर उसे अच्छे से फैला दें। देखा ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये डिजाइन जरूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।